हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, इन एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, दैट इज स्लॉट एंटीना। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख ली है। हमने लूप एंटीना को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने बताया था कि ये बहुत ही अच्छा रिसीवर है, ठीक है। तो अब हम स्लॉट एंटीना पे मूव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे स्लॉट एंटीना का। स्लॉट एंटीना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने फीचर्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके फीचर्स में और बेसिक डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्लॉट एंटीना और डायपोल एंटीना का रिलेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि डायपोल एंटीना क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि डायपोल एंटीना है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि स्लॉट एंटीना और डायपोल एंटीना कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कैसे ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। और एट लास्ट हम देखेंगे कि स्लॉट एंटीना के फीड मेथड्स कैसे होते हैं, या फिर हम कैसे स्लॉट एंटीना को क्लासिफाई कर सकते हैं। सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे पार्ट में से कुछ भी क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। सो आई होप आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्लॉट एंटीना। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर स्लॉट एंटीना को रिजेंबल करेगा, अगर ये स्ट्रक्चर कार्डबोर्ड का नहीं एक मेटालिक शीट का होता, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, कार्डबोर्ड नहीं है, ये मेटालिक शीट है। इस पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन या कोएक्सियल केबल या वेवगाइड लगा दिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो यहाँ से रेडिएशंस प्रोड्यूस कर देगा। मैंने क्या कहा था, स्लॉट एंटीना अच्छा ट्रांसमिटिंग डिवाइस है। तो जैसे ही हम इस स्लॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ये बहुत अच्छी इंटेंस रेडिएशंस बनाएगा। तो ये हमारा स्लॉट एंटीना है, एक मेटालिक शीट जिसमें हमारे पास स्लॉट है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या ये स्लॉट सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है, इसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ये स्ट्रक्चर याद रखिए आप, ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्लॉट एंटीना है। हॉरिजॉन्टल की जगह हम वर्टिकल स्लॉट एंटीना भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्लॉट एंटीना को स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्लॉट एंटीना के सारे डिजाइनिंग और फीचर्स हम देखते हैं, सेम टू सेम आप फिर वर्टिकल स्लॉट एंटीना के लिए भी सारे पैरामीटर्स क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बार अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्लॉट एंटीना समझ आ गया, तो वर्टिकल स्लॉट एंटीना आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या होती है स्लॉट एंटीना की। अब हमें यह पता लग गया है, स्लॉट एंटीना बनाने के लिए मेरे पास एक मेटालिक शीट होनी चाहिए। तो या तो मेरे पास एक मेटालिक शीट है, या फिर मेरे पास एक वेव गाइड है, ठीक है। ये वेव गाइड है मेरा, लेट सपोज। सो या तो मेटालिक शीट में मैंने कोई स्लॉट बना दिया है, ये जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, या वेव गाइड में स्लॉट्स है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, तो या तो ये या फिर ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, ये मेरे स्लॉट एंटीना कहलाएंगे। जैसे ही मैं इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल और वेव गाइड, तो यहाँ पर भी जैसे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इस स्लॉट को, वैसे ही ये रेडिएशंस प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी इंटेंस, एंड इट विल बी एक्टिंग लाइक अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन ऑफ स्लॉट एंटीना इज दैट इट इज अ रेडिएटिंग स्लॉट इन द मेटालिक शीट और वेव गाइड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये रेडिएटिंग स्लॉट है मेटालिक शीट में या वेव गाइड में, विच इज फेड विद द कोएक्सियल केबल टू वायर ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड। तो यहाँ पर ये मेरा स्लॉट एंटीना है, ये जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मुझे पोलराइजेशन दिखा रहा है, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। ये मेरी कोएक्सियल केबल है, ये W रिप्रेजेंट्स द विड्थ, और लेंथ क्या रहेगी स्लॉट एंटीना की, स्लॉट एंटीना की लेंथ रहेगी लैम्डा बाय 2। तो ये बहुत ही अच्छा रेडिएटिंग डिवाइस है। नाउ द क्वेश्चन अराइज की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर इज लेंथ, लेंथ और विड्थ का रेशियो, ठीक है। फर्स्ट फीचर है लेंथ ऑफ स्लॉट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। मैंने यहाँ पर खुद से ही लिख दिया है कि लेंथ लैम्डा बाय 2 ही रहेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्लॉट इज लैम्डा बाय 2 एंड विड्थ इज वेरी मच लेस देन
लेंथ, ये सब मैं हॉरिजॉन्टल स्लॉट के बारे में बता रही हूँ। तो अब मैं फिर से स्ट्रक्चर को देखती हूँ। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लेंथ रहेगी, ये लेंथ ज़्यादा है विड्थ से, ठीक है, और लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू। ये स्ट्रक्चर जो रहेगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। ये जो लेंथ रहेगी लैम्डा बाय टू, जो भी हम रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टू के इक्वल। आप जानते हैं कि वेवलेंथ कितना स्मॉल होता है, ठीक है, तो स्लॉट की लेंथ कितनी स्मॉल है और विड्थ उससे भी बहुत स्मॉल है, तो ये स्लॉट कितना छोटा होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। सबसे पहला फीचर है लेंथ है लैम्डा बाय टू एंड विड्थ है वेरी मच लेस देन लेंथ। सेकंड फीचर है कि हम एरे ऑफ स्लॉट एंटीना यूज़ कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर में एक ही स्लॉट एंटीना रहेगा, ठीक है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके, या रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे आई कैन से। सो अब अगर मुझे इस रेडिएशंस की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ानी है, मैंने आपको एरे एंटीना में बताया था, जब भी हम एरे बनाते हैं, जितनी ज़्यादा हम एंटीनास की एरे बनाएंगे उतनी ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएंगी। अब एक स्लॉट की जगह लेट सपोज मैंने मल्टीपल स्लॉट्स ले लिए यहाँ पर, तो मल्टीपल स्लॉट्स की वजह से यहाँ पर रेडिएशन की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट आई कैन यूज एरे ऑफ स्लॉट I can use the array of slots to increase the directivity of radiation. बहुत ही important property है। Mostly हम slot की arrays ही use कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही directional nature की radiation field चाहिए। क्यों radiation जो है हमें directional चाहिए? जितनी ज़्यादा directional रहेगी उतनी ज़्यादा energy एक ही direction में concentrate हो जाएगी, तो ये wave बहुत ही दूर तक travel कर पाएगी। जितनी वो radiations दूसरी direction में बिखरी रहेंगी उतना उसका डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल कम हो जाएगा। तो एरे ऑफ स्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फीचर है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्लॉट होता है वो वर्टिकल पोलराइजेशन देता है, और वर्टिकल स्लॉट होगा तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में थोड़ा सा डाउट है, तो पोलराइजेशन पर एक वीडियो है, जाइए पिछली वीडियो पे जाइए और पोलराइजेशन देख आइए, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन है मतलब मेरी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं ओनली विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन जब मेरा हॉरिजॉन्टल स्लॉट है। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्लॉट में अपसाइड एरोज ही बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसे ही मैं स्लॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करूंगी तो वहाँ पर इंटेंस रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड दिस इज़ द रीज़न ये स्लॉट एंटीना जो है ये बहुत ही अच्छा ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज़ होता है। इसे हम रिसीविंग एंटीना की तरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से रेडिएशंस अच्छे से प्रोड्यूस हो जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे स्लॉट पर या मेटालिक स्लॉट पर, तो यहाँ पर इंटेंस रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्लॉट एंटीना बनाएंगे, स्लॉट एंटीना बनाने के लिए क्या करा था, मेटल में से एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट को कट कर दिया था। तो जैसे ही हम एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट को कट करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या बनेगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अगर ये मैंने स्लॉट एंटीना को कट करा है,
ठीक है, स्लॉट एंटीना को कट करने पर ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर डायपोल एंटीना है। ठीक है, तो अब जब इस स्ट्रक्चर पर मैं ट्रांसमिटिंग केबल लगा दूंगी या फिर कोएक्सियल केबल लगा दूंगी या फिर मैं वेव गाइड से इसे पावर सप्लाई कर दूंगी, जैसे ही इसमें पावर सप्लाई होती है ये वाला स्ट्रक्चर भी एक एंटीना की तरह बिहेव करेगा जो कि है डायपोल एंटीना। ये था स्लॉट एंटीना। तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। ठीक है, इसको इसको जोड़ा तो मुझे एक पूरी मेटालिक शीट मिल जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में। अभी हम प्रूव भी कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी थी। इसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्लॉट है तो मेरे पास वर्टिकल पोलराइजेशन आएगा, तो इससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। मतलब अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायपोल है इससे हॉरिजॉन्टल ही पोलराइजेशन आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे स्लॉट एंटीना और डायपोल एंटीना कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर पर। ये है मेरा डायपोल एंटीना जो कि लेंथ लैम्डा बाय 2 का ही होगा। ठीक है, तो यहां पर लेंथ है लैम्डा बाय 4 और इधर भी है लेंथ लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डायपोल एंटीना। अब करते हैं कंपैरिजन, जो भी हमारा डायपोल एंटीना है और जो भी हमारा स्लॉट एंटीना है। ये मेरा स्लॉट एंटीना है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री डायपोल एंटीना है। ठीक है, तो ये तो अब आपको समझ आ गया। इसकी लेंथ लैम्डा बाय 2 है, इसकी भी ओवरऑल लेंथ लैम्डा बाय 2 है। मैं फीड लाइन को कहाँ पर कर रही हूँ? कनेक्ट लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर इधर से, और इधर से भी लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर भी फीड मैंने कहाँ कनेक्ट करी है? यहाँ से लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर और यहाँ से भी लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर। अब हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस स्लॉट एंटीना के लिए ZS, डायपोल एंटीना के लिए ZD। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स में एक प्रिंसिपल होता है बेबी नेट प्रिंसिपल। बेबी नेट प्रिंसिपल मुझे बताता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर से जैसे ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही मुझे ईटा स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाता है। तो अभी फिर से ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या था? स्लॉट एंटीना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। जैसे ही मैं स्लॉट एंटीना से लाइट पास करूंगी तो मेरे पास रिफ्लेक्शन क्या आएगा? लाइट पास होकर ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये दोनों, अगेन आई कैन प्रूव, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है। यहां से लाइट पास करिए, जो लाइट पास करकर शेडो बनेगी वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब बेबी नेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर भी मैं अपना बेबी नेट प्रिंसिपल लगा सकती हूँ और इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगी वैसे ही मुझे ईटा स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, ZS मल्टीप्लाइड बाई ZD इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर, ईटा नॉट स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब मेरे पास डायपोल एंटीना है लेंथ लैम्डा बाय 2 का। अब लैम्डा बाय 2 का डायपोल के इंट्रिंसिक इम्पीडेंस में जानती हूँ, ZD क्या हो जाएगा? 73 + 42.5 J। ठीक है, ये मेरा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है डायपोल का विच इज हैविंग लेंथ लैम्डा बाय 2। अब मुझे ईटा भी पता है, ईटा क्या होता है? ईटा नॉट होता है 376.7 ओम। ठीक है, अब मैं ईटा स्क्वायर निकाल सकती हूँ। आप लोग अपनी कैलकुलेशंस करते रहिए, 3567 यही आएगा आपका ईटा स्क्वायर। ओके, सो यहां पर अब प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मैंने ZD की वैल्यू पुट करी 73 + 42.5 J। यहाँ पर ईटा नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 35467/4। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ZS हो जाएगा 35467/4 मल्टीप्लाइड विद 1/73 + 42.5 J। अब क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 73 - 42.5 J इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
अब ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, आपने कैलकुलेटर निकाली है और ये कैलकुलेशंस कर डाली है, तो जेड एस आएगा आपका 363 माइनस 211 जे ओम, ठीक है, ये मेरा जेड एस आ जाएगा फॉर द लेंथ लैम्डा बाय टू। अब मैं डायपोल का इंट्रिंसिक इम्पिडेंस निकाल सकती हूँ, ठीक है, डायपोल का जैसे ही लैम्डा चेंज होएगा, यहाँ पर लैम्डा बाय टू लेंथ का डायपोल था, अगर मैंने इसका लेंथ कम करा या बढ़ाया तो स्लॉट एंटीना का लेंथ भी कम होएगा या बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका लेंथ कम कर कर या बढ़ाने पर जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ईटा नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, इसकी इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं, जैसे ही इसकी इम्पीडेंस हमें निकली तो हम इस फॉर्मूले से स्लॉट एंटीना की इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जेड एस और जेड डी में। अब आ जाते हैं फीड मेथड्स क्या होते हैं और कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्लॉट एंटीना को। ये मेरा पहला स्लॉट है, ये मेरा दूसरा स्लॉट है। अब मैंने क्या करा है, एक फीड लाइन लगा दी, फीड लाइन कुड बी एनीथिंग, या तो ये कोएक्सियल केबल है, या तो एक कोएक्सियल केबल है, या टू वायर ट्रांसमिशन लाइन है, या वेव गाइड है। तो मैं कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, या तो स्लॉट के बिल्कुल सेंटर में मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने फीड को, फीड लाइन कुड बी एनीथिंग, इन तीनों में से कुछ भी, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने कोएक्सियल केबल ले लिया, कोएक्सियल केबल को जैसे ही मैंने सेंटर पे कनेक्ट करा, मतलब लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस इस साइड से, लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस इस साइड से, तो ये हो गया मेरा सेंटर फीड, ठीक है। अब ये मेरा ऑफ सेंटर फीड, ऑफ सेंटर फीड मतलब कि सेंटर पर कनेक्ट नहीं कर रहा है, सेंटर से हट के कनेक्ट कर रहा है। कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, इस पार्ट से लैम्डा बाय 20 डिस्टेंस पर, तो यहां से कितना हो जाएगा 19 लैम्डा अपॉन 20, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस पर मेरा फीड लाइन कनेक्टेड है, विच कुड बी एनीथिंग, कोएक्सियल केबल, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मुझे मैच करने के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए मुझे 500 ओम इम्पीडेंस चाहिए, बट यहाँ पर ओनली 50 ओम इम्पीडेंस चाहिए और मैचिंग हो जाएगा। नाउ यूजेस ऑफ स्लॉट एंटीना, स्लॉट एंटीना इज अ वेरी गुड रेडिएटर, बहुत ही अच्छा ट्रांसमिटिंग डिवाइस की तरह और ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन को एंड करती हूँ, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। कहीं पे भी कुछ डाउट है कॉमेंट सेक्शन में जाइए और लिख डालिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।